नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया अश्विलिया। देश टीवी के प्रतिदिन समाचार में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं खबरों की सुर्खियां। बालोद और छुरिया पहुंची मुख्यमंत्री की विकास यात्रा, किया गया करोड़ों के निर्माण कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन। नर्सों की हड़ताल सातवें दिन भी रही जारी, शासन ने ब्रेक इन सर्विस का भेजा नोटिस। सीएम ने दिया शिक्षा कर्मियों को संविलियन का आश्वासन, संविलियन पर मूर्त रूप चाहते हैं शिक्षा कर्मी। और थर्ड जेंडर ने किया रैंप वॉक, फाइनल की करेंगे रिहर्सल। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने गुरुवार को जिला बालोद और राजनांदगांव के विकास खंडों का दौरा किया। सीएम ने बालोद जिले के गठन से इस क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयां मिलने की बात कही, तो वहीं कार्य क्षेत्र राजनांदगांव से अपने राजनीतिक जीवन शुरू करने की बात आम जनता से साझा की। मुख्यमंत्री गुरुवार को प्रदेशव्यापी विकास यात्रा के दौरान बालोद जिले के ग्राम अर्जुंदा पहुंचे। यहां आयोजित विशाल आम सभा को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अर्जुंदा गांव की अपनी विशिष्ट पहचान है। इस गांव ने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को पहचान दिलाने में अहम योगदान दिया है। इस क्षेत्र के कण कण में छत्तीसगढ़ की लोक कला का वास है। मुख्यमंत्री ने आम सभा में जिले की जनता को 74,94,00,000 रुपए लागत के 74 विभिन्न निर्माण कामों की सौगात दी। उन्होंने इनमें से 25,97,00,000 रुपए की लागत के 40 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 49,37,00,000 रुपए के 34 निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर श्रम विभाग की योजना में 2600 श्रमिकों को साइकिल, सिलाई मशीन, 3000 श्रमिक औजार और सुरक्षा उपकरण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 2000 महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए। मुख्यमंत्री ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही गांव-गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी और मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों, खेतों में काम करने वाली महिलाओं, कॉलेज के विद्यार्थियों, किसानों और ग्रामीणों के हाथ में जल्द ही स्मार्टफोन होगा। डॉक्टर रमन सिंह प्रदेशव्यापी विकास यात्रा में बालोद के बाद राजनांदगांव जिले के विकासखंड मुख्यालय छुरिया पहुंचे। यहां उनके स्वागत के लिए भरी दोपहरी में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। सीएम ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि छुरिया जैसे आदिवासी बहुल और अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों का विकास हमेशा ही राज्य सरकार की प्राथमिकता में रहा है। मोंगरा बैराज, घुमरिया बैराज और खातू टोला बैराज से छुरिया और आसपास के क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ी है। सड़क नेटवर्क भी इस क्षेत्र में बेहतर हुआ है। आगे भी विकास का यह सिलसिला जारी रहेगा। सीएम ने कहा कि गरीबों के भोजन की व्यवस्था करना सबसे बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ का ही प्रताप है कि आपने मुझे एक छोटे से पार्षद से मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के माध्यम से गरीबों के भोजन की ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से उनके बेहतर स्वास्थ्य का भी पूरा इंतजाम किया है। अकेले छुरिया नगर पंचायत में 280 और पूरे विकासखंड में 13,000 आबादी पट्टे का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,500 आवास निर्माण की स्वीकृति भी दी गई है। चार साल में लगातार कार्यक्रम हम लोग भी कर रहे हैं और यहाँ भी एक अभियान बना के नीचे स्तर तक, पंचायत स्तर में, जिला स्तर में, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो योजनाएं बनी हैं, जो सरकार ने काम किए हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का एक व्यापक अभियान हम चलाएंगे और एक सभी क्षेत्रों में इसके लिए तैयारियां हो गई। उसके बाद जिला मुख्यालय राजनांदगांव, पीछ में छुरिया, कोकपुर, डोंगरगांव, अर्जुनी और रामपुर, इन अलग अलग स्थानों में स्वागत सभा होगी। प्रमुख रूप से दोनों सभाओं में 404 करोड़ के निर्माण कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण होगा। 12 मई से लगातार रमन का विकास रथ प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहा है, साथ ही विकास योजनाओं के साथ करोड़ों की सौगात भी आम जनता को सरकार द्वारा दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। भूपेश के खिलाफ कुछ महीने पहले सीबीआई ने सीडी कांड के संबंध में आपराधिक प्रकरण दर्ज किए थे, जिसे लेकर रायपुर के पुलिस ऑफिसर मेस में पूछताछ हुई है। पूछताछ को पीसीसी अध्यक्ष ने सरकार की रणनीति कहा, तो वहीं मुख्यमंत्री ने इसे सीबीआई की जांच का आधार बताया है।
अश्लील सीडी मामले में सीबीआई पूछताछ के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। भूपेश ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अंतागढ़ में अश्लील सीडी का जिक्र किया, उसके कुछ देर बाद शाम 4 बजे सीबीआई पूछताछ के लिए आया और 7 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया। यह भाजपा सरकार की साजिश है, सीबीआई का दुरुपयोग करके कांग्रेस की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। भूपेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झीरम घाटी से 25 मई को संकल्प यात्रा शुरू करने जा रही है, इससे सरकार पर दबाव बना है, जिसके चलते ही सीबीआई को पूछताछ के लिए निर्देश दिया गया। भूपेश ने कहा कि सीडी मामले में मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी की संलिप्तता है, सीएम हाउस में भी सीडी बांटी गई, इसलिए उसे भी जांच के दायरे में लिया जाना चाहिए। भूपेश ने सीबीआई पूछताछ के बिंदुओं को बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जांच में क्या पूछा गया इसके बारे में वे कोई जानकारी नहीं देंगे, लेकिन सीबीआई को प्रकाश बजाज से ये जरूर पूछना चाहिए कि उसका आका कौन है। हमने सवाल पूछा था कि किस नंबर से फोन किया गया, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया गया। दिसंबर में मामला सीबीआई को सौंपा गया और अचानक 6 महीने बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया, ये कैसा संयोग है। पीसीसी अध्यक्ष से सीबीआई पूछताछ पर सभी कांग्रेसी खासे नाराज हैं। डीसीसी अध्यक्ष विकास उपाध्याय ने साफ कहा कि राज्य सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अचानक पूछताछ करवा रही है, जबकि सरकार ने झीरम कांड, नान घोटाला सहित प्रदेश के कई घोटालों पर सीबीआई जांच नहीं की, लेकिन एन संकल्प यात्रा के पहले सीबीआई का पीसीसी से पूछताछ करना शंका के घेरे में आता है। और विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लगातार ऐसे इन एजेंसियों के माध्यम से प्रताड़ित करना या प्रेशराइज करना ताकि वो अपने काम से पीछे हट जाए, ये एक सरकार की सोची समझी साजिश है। दूसरी बहुत बड़ी बात यह है कि जो झीरम घाटी, जहां 5 साल पहले एक बड़ी घटना हुई थी और उसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता शहीद हुए थे, उसकी सीबीआई जांच तो सरकार नहीं करा रही। नान घोटाले की सीबीआई जांच सरकार नहीं कराती। जिला सहकारी इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक के घोटाले की जांच की सीबीआई जांच नहीं कराती, लेकिन सरकार जानबूझकर विपक्षी लोगों को प्रेशराइज करके, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके, उनको प्रेशराइज करके सोचती है कि वो काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार के उनको मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल जी अड़िग होकर आज भी 25 तारीख को संकल्प यात्रा उसी झीरम घाटी से, उसी माटी से वो शुरुआत करने जा रहे हैं। आज वो जगदलपुर की ओर गए। वहीं अश्लील सीडी मामले में पीसीसी चीफ भूपेश बघेल से सीबीआई की पूछताछ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी वार किया है। भूपेश बघेल के सीबीआई के दुरुपयोग संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसने सीडी दिखाई है उससे सीबीआई नहीं पूछेगी तो और किससे पूछेगी। रमन सिंह ने मीडिया का जवाब देते हुए कहा कि किसी और दूसरे को बुलाकर पूछने से काम तो नहीं होगा, उनको जो बातें उजागर करनी है, कहना है, वो सामने कहना चाहिए। जो भी सच्चाई है सीबीआई वो सारे लोगों से पूछ रही है, ये एक प्रक्रिया है। सीएम ने कहा कि जब भी कोई बड़ी बात होती है तो कांग्रेस खुद बोलती है कि सीबीआई से जांच करवाई जाए, तो अब सीबीआई जांच कर रही है तो उनको लगता है कि सीबीआई जांच क्यों कर रही है। सीएम ने कहा कि ये अजीब स्थिति है। सीडी जिसने दिखाया है उससे नहीं पूछेंगे, किससे पूछेंगे? पूछने के लिए तो बुलाया जाएगा भाई, जब आपने सीडी दिखाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया है, तो सीबीआई किससे पूछेगी? किसी और दूसरे को बुला के पूछने से काम नहीं। तो उनको जो बात कहना है तथ्य को उजागर करना चाहिए। जो भी चीज़ है, सच्चाई है, सीबीआई को सामने लाने की जवाबदारी है और वो सारे संबंधित लोगों से लगातार पूछ कर रही है। अब क्या आगे उसकी कार्रवाई होगी, भूमिका होगी, अलग बात है, मगर एक प्रक्रिया है। जब कुछ बड़ी घटना होती है तो कांग्रेस के मित्र ही बोलते हैं सीबीआई से जांच करा लो, जब सीबीआई जांच कर रही है तब उनको लगता है कि सीबीआई ठीक जांच करी। बड़ा अजीब स्थिति है। बहरहाल फिर सुस्त हुए सीडी कांड का जिन्न निकल आया है। अब सीबीआई जांच पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब देखना है कि ये दौर कब तक चलता रहेगा। देश टीवी के लिए कैमरा पर्सन ऋषि नेताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर की नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। प्रदेश भर में 3,000 नर्स कार्यरत है। नर्स संगठन की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदर्शनकारी नर्सों को ब्रेक इन सर्विस का नोटिस भेजा है। यदि वे काम पर नहीं लौटती हैं, विभाग कड़ाई करने पर कोई कोताही नहीं बरतने की बात कह रहा है।
नर्सों की हड़ताल सातवें दिन भी जारी रही। प्रदेश भर से ईदगाह भाटा में जुटी नर्सों की हड़ताल से अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी से उतर गई है। अंबेडकर अस्पताल में जहां मरीजों के लिए बेड कम पड़ते थे, वहां आज अधिकतर वार्ड खाली हैं। मरीज प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि मरीजों का उपचार सुचारू रूप से किया जा रहा है। 6 सूत्री मांगों को लेकर स्टाफ नर्स के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश स्तर पर नर्सों ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। समान कार्य समान वेतन, ग्रेड पे बढ़ाने, दर्जा बढ़ाने, नर्सिंग कैडर के वेतनमान में वृद्धि, नर्सिंग अलाउंस के साथ ही पदनाम को बदलने की मांग की जा रही है। ग्रेड 2 और ग्रेड पे 4,600 रुपया नहीं दिए जाने को लेकर स्टाफ नर्सें काफी प्रयास कर रही थी। इसकी मांग उनके द्वारा काफी समय से की जा रही थी। मांगे पूरी ना होने से नाराज नर्सें छत्तीसगढ़ परिचारी कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले हड़ताल पर चली गईं। इस हड़ताल को जिले भर की 200 स्टाफ नर्सों ने अपना समर्थन दिया। इनमें से 100 से अधिक नर्सें अकेले जिला अस्पताल की हैं। हड़ताली नर्सों ने साफ कह दिया है कि जब तक हमारी मांगों को शासन नहीं मानेगा, तब तक हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। साथ ही उनका मानना है कि जिला अस्पतालों में मरीजों की जो देखभाल पढ़ाई करने वालों से कराई जा रही है, वह मरीजों के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ है। इनके अनुसार सरकार को मांग मान लेनी चाहिए ताकि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। कि हम आम जनता के बीच में छाना चाहते हैं। हमारा जो वर्क है वो एक्चुअली आम लोगों के साथ में है। पेशेंट्स, आम लोग जैसे आते पेशेंट्स बन, बहुत सारे लोग हमको पहचानते भी हैं जो रायपुर में कहा रखे या फिर रायपुर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो उनको पता है कि हम लोग क्या काम करते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमको देखे और जाने कि क्या हम लोग सही है कि नहीं, उनको भी पता चले कि हम उनके लिए ही काम करते हैं और हमको यहाँ बैठ के कोई खुशी नहीं मिल रही है। हम उनसे बताना चाह रहे हैं कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, अगर आपको लगता है कि हम सही हैं तो हमारा समर्थन करें। आम जनता का समर्थन लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने एक पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जिसमें उनसे हमने बात, उनको हम लिटरली बताना चाहते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अगर आप समर्थन करते हैं तो इसमें लिखिए कि हम आपके साथ हैं। बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं हमारे, वो ट्रेनिंग करने आते हैं, हम उनको अंडर सुपरविज़न हम उनको सिखाते हैं, उनको बताते हैं, देन एग्ज़ाम लेके वो फाइट करके वो इस चीज़ को सफल बनाते हैं, जबकि अभी वो असफल हुए नहीं हैं। और हम जब कोई भी नहीं है वहाँ पे और वो बिना सुपरविज़न के ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम डरते हैं आम जनता के लिए कि कहीं उनकी हानि ना हो, क्योंकि इंजेक्शन लगाना, ड्रिप्स लगाने और ये सब लगता है कि कॉमन है, लेकिन ये है कॉमन नहीं। एक भी अगर वेन टच होती है तो सीधे कोलैप्स जाता है। तो जैसे कि कोई भी पेशेंट है, मैं नहीं चाहूँगी कि वो बिना किसी सुपरविज़न के वो बच्चे लगाएं इंजेक्शन और उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए। इसमें हमारे बच्चों की भी हानि है और आम जनता की। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो 3 साल से लगे हैं, 3 साल से मांग कर रहे हैं, चुनाव की वजह से नहीं कर रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे मांग कर रहे थे, शांतिपूर्ण मांग कर रहे थे, लेकिन मांग को पूरा नहीं किए, इसलिए हम लोग मतलब यहाँ पर इतना बड़ा कदम उठाएँ। रोड में आ गए हम, रोड में मतलब एक महिला को रोड में आए, बेटी बचाओ, बहन बेटी, ये सब दुनिया भर का ये ढकोचले नारे लगा रहे हैं, ये सब बेकार की चीज़ लग रहा है हम लोग को। आज के डेट में इस गर्मी में हम बैठे हैं यहाँ पे, हमारी बहनें बैठी हैं और पब्लिक भी देख रहे हैं, एक तमाशा समझ रहे हैं, हमको तमाशा बना लिया। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो भी ये दिख रहा है पोस्ट कार्ड अभियान अभी हमने चालू किया है और आगे की जो रणनीति है डे बाई डे बताएंगे कि आगे क्या करना है। और बिल्कुल हम शासन का इंतजार करेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। जैसे 7 दिन तक ऐसे धूप में तप के हम बैठे रहे हैं, तो तपस्या करने से ही कुछ मिलता है, तो तपते हैं, क्योंकि डिमांड पूरी करके ही वापस जाएंगे हम लोग। ऐसे हम नहीं जाएंगे, हमारी सारी यूनिटी के साथ हम यहीं बैठे। हमारी मुख्य 2 ही मांगे हैं, 4600 ग्रेड पे और वर्ग 2 का दर्जा। आज 7वां दिन है हमारे आंदोलन का, लेकिन शासन की तरफ से अभी भी कोई हमें बातचीत के लिए कोई नहीं आया है, ना ही बुलाया गया है, तो हमारा आंदोलन अभी तक जारी है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन हम जारी रखेंगे। इधर स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस का नोटिस भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों का सुचारू इलाज के लिए ANM स्टाफ को अस्पतालों में बुला लिया है। रायपुर जिले के CMHO डॉक्टर KS शांडिले ने कहा कि यदि परिचारिकाएं प्रदर्शन को समाप्त नहीं करती तो विभाग के द्वारा कड़ाई किया जाना निश्चित है। जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर कुछ संविदा के भी ये हैं, स्टाफ नर्स हैं, वो हमारे इसमें काम कर रहे हैं, और कहीं अति आवश्यक होने पर जो पेरिफेरिक जो ANM है उनके द्वारा ये संचालन किया जा रहा है। और हमारे यहाँ अभनपुर ब्लॉक है, उसमें से तो कोई हड़ताल पे भी नहीं है, 3 ब्लॉक हैं वहाँ पर ही, इसमें कुछ लोग करीब 28-29 लोग स्ट्राइक में हैं। उतनी दिक्कत तो नहीं आ रही है, हमारा संचालन चल रहा है ठीक ठाक, नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसमें यह है कि शासन के आदेश पे हम लोगों ने उनको कि वो एक तो हड़ताल करने के लिए वो अधिकृत नहीं हैं,
और अगर वो हड़ताल करते हैं तो उसमें अनुपस्थिति उसको माना जाएगा, ब्रेक इन सर्विस भी होगा। इस तरह के नोटिस हम लोगों ने उनको जारी किया है और उसमें अगर वो उसका अमल नहीं करते हैं, पालन नहीं करते, तो उनके ऊपर दूसरा कार्रवाई भी सुनिश्चित है। सरकार के फरमान के बाद भी नर्सेज अपनी मांगों को लेकर डटी हुई हैं। इन्हें कई संगठन समर्थन भी दे रहे हैं, जिससे इनका मनोबल और भी बढ़ गया है। देश टीवी के लिए कैमरा पर्सन ऋषि नेताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। टाटीबंध निवासी गुरविंदर सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी लगभग 22,000 स्क्वायर फीट जमीन को, जो कि टाटीबंध बिजली ऑफिस के पीछे है, उसे वार्ड पार्षद गायत्री चंद्राकर ने साजिश पूर्वक मंत्री राजेश मूणत से सार्वजनिक गार्डन के लिए सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए शिलान्यास करा दिया। गुरविंदर सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस जमीन पर मंत्री मूणत ने गार्डन के लिए शिलान्यास किया है, वह उनकी निजी स्वामित्व की जमीन है, जिसके सारे कागज दस्तावेज उनके पास उपलब्ध हैं। जब उन्हें इस मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने उसकी आपत्ति भी की और मंत्री मूणत को इस संबंध में जानकारी दी, जिस पर मूणत ने कहा कि मैं तो केवल फीता काटने जा रहा हूँ। इसके बाद गुरविंदर ने प्रेस क्लब रायपुर में उपस्थित होकर गुहार लगाई है कि उनकी आपत्तियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और उसके बावजूद भी मेरी ज़मीन को सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मंत्री राजेश मूणत ने आपत्ति के बावजूद भी सार्वजनिक गार्डन का शिलान्यास किया है।